हसरत है हमारी बाबा पर दो वो पूरी आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके।
शांति। ओम शांति। हर खजाने को सफल कर सफलता मूर्त बनो। सुनते हुए नहीं सुनो, देखते हुए नहीं देखो। ब्राह्मण जीवन में पवित्रता की ऐसी पर्सनैलिटी धारण करो जो आपकी एनर्जी, समय, संकल्प सब सफल होता रहे। कुछ भी व्यर्थ न जाए। छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखना। अपवित्रता की बातों को सुनते हुए नहीं सुनना, देखते हुए नहीं देखना। जैसे जिन चीजों से आपका कनेक्शन नहीं है उन्हें देखते हुए नहीं देखते हो। रास्ते पर जाते हो, कहीं कुछ दिखाई देता है परंतु आपके मतलब की बात नहीं है तो देखते हुए नहीं देखते हो। साइट सीन समझ कर पार कर लेते हो। ऐसे जो बातें सुनते हो देखते हो आपके काम की नहीं है तो सुनते हुए नहीं सुनो और देखते हुए नहीं देखो। ओम शांति। शांति। आपका व्यक्ति परिवार में स्वागत है। आज है दिन 27। हर खजाने को सफल कर सफलता मूर्त बनो। आज का टॉपिक है सुनते हुए नहीं सुनो, देखते हुए नहीं देखो। अब हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी को ओम शांति। सब खुश हैं, सब खुश हैं, तंदुरुस्त हैं, क्योंकि हम सब बहुत शुद्ध है, पवित्र है। कोई भी गंदगी नहीं है। हम आजकल के दिन लोग सब कुछ खाते हैं, वो चॉकलेट्स खाते हैं, उसके बाद फिर वो डिटॉक्स करने जाते हैं, हेल्थ रिसोर्ट में जाते हैं, कुछ शिविर ऐसे करते हैं शारीरिक। लेकिन अगर हम ब्रह्मा बाबा के जीवन को देखें या दादी के जीवन को देखें तो उन्हें कभी भी ये सब करने की जरूरत नहीं थी। तो बाबा आज एक रूहानी, एक आध्यात्मिक टॉक्सिन के बारे में बात कर रहे हैं। हमें ऐसी चीजों को देखना है जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है, या ऐसी चीजों का वर्णन करना, ऐसे देखना जो जरूरी नहीं है। Not connected with us, but also it's negative or waste. लेकिन ये सब साथ ही साथ नेगेटिव भी है और वेस्ट भी है। तो हमें बहुत ही ध्यान देना है कि हम क्या ग्रहण कर रहे हैं। तो हमें फिर डिटॉक्स करने की जरूर ही नहीं है, क्योंकि फिर हमारा सिस्टम, हमारी मन बुद्धि बहुत ही शुद्ध रहेंगे, साफ रहेंगे, क्योंकि पवित्रता हम धारण कर रहे हैं। तो गहराई में सोचे कि बाबा क्या आज कह रहे हैं, कि बाबा क्या चाहते हैं हमसे। आज मैं बहुत ही अपने दिल से बाबा के से शुक्रिया महसूस करती हूँ कि इतनी अच्छी
बाबा हमें जो ज्ञान की बातें सिखाते हैं, जो सिर्फ शारीरिक तौर पर नहीं है लेकिन एक जनरल तौर पर, कि कितनी हमारे अंदर की एक हल्कापन, शुद्धता, सफाई, सब कुछ बाबा के ज्ञान से मिलता। तो आज बाबा कह रहे हैं कि हमारी जो ब्राह्मण जीवन की जो पवित्रता है, हमें ऐसी पर्सनालिटी धारण करनी है जो हम आपकी एनर्जी, समय और संकल्प सब सफल होता रहे। ऐसी पर्सनालिटी धारण करनी है जिससे हमारी एनर्जी, समय, संकल्प सफल होते रहे। तो हमेशा कोई एक छोटी कहानी या बड़ी कहानी होती है, एक कहानी के बाद दूसरी कहानी, तो उसके अंदर बहुत बहुत सारे सुनने की बातें होंगी, लेकिन लेकिन न तो हम ऐसी कहानी लिखें या हम सुने। तो छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखना है, अपने मन और बुद्धि को ऐसी बात, क्योंकि बातें तो बहुत छोटी है लेकिन वो छोटी बातों के बारे में 10 लोग बातें करते हैं और उसके आगे फिर और 10 लोग बातें करते हैं, तो वो फिर बहुत बड़ी कहानी बन जाती है और हर कोई उसमें थोड़ा थोड़ा सा ऐड करते जाते हैं। तो थी तो बहुत छोटी बात लेकिन वो बहुत बड़ी बन जाती है। तो ऐसी बातें सुनना, ऐसी अपवित्रता की बातों को सुनते हुए हमें नहीं सुनना है और देखते हुए नहीं देखना है। अगर हम ध्यान नहीं दे, अगर हम बिल्कुल भी ऐसी बातों को नोटिस ना करें तो हम याद ही नहीं रखेंगे। तो जैसे बाबा कह रहे हैं कि जैसे जो जीव भी चीजें जो जिनके साथ हमारा कनेक्शन नहीं है उन्हें देखते हुए तो हम नहीं देखते हैं, जैसे रास्ते पर जाते हैं या कहीं कुछ दिखाई देता है, परंतु अगर वो आपके मतलब की बात नहीं है तो देखते हुए भी हम नहीं देखते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसी ऐसी बातों को हमें साइड सीन समझकर पार चले जाना है। ऐसे जो भी बातें सुनते हैं, देखते हैं, अगर वो काम की नहीं है तो सुनते हुए नहीं सुनो और देखते हुए भी नहीं देखो, क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि जो दिखता है वो हमारे जीवन पे बहुत बड़ी ही असर, बहुत ही गहरी छाप छोड़ कर जाता है, और वो थोड़े पल के लिए नहीं है, लंबे पल के लिए। जैसे हम हमारे बचपन की भी कोई बात याद करें तो कभी कभी वो बातें भी एकदम से सामने आ जाती है, बिल्कुल सेम बात, सेम संकल्प, लेकिन अगर बचपन में अगर हमने उन्हें अवॉइड किया होता या ध्यान नहीं दिया होता तो आज वो हमारे संकल्प में नहीं आती। तो ऐसी ऐसी उच्च पवित्रता बाबा हमें सिखाते हैं। मुझे पता है कि हम में से कई हैं जो बहुत ही छोटी उम्र में बाबा के पास आए थे और हम सब की बाबा ने रक्षा की और हम ऐसी कोई भी प्रकार की अपवित्रता में नहीं गए, लेकिन फिर भी बाबा के साथ जो हमारी पवित्रता है उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत उच्च होनी चाहिए। जैसे हमारे मन और बुद्धि, ऐसी उच्च पवित्रता सिर्फ बाबा ही कहते हैं कि हमें क्या क्या सोचना है, क्या करना है। तो कोई भी ऐसी बात जो वेस्ट है और वो उसका हम सफल नहीं करते हैं तो ऐसी बातें हमें अवॉइड करनी। तो जब भी पवित्रता है और हम वो पवित्रता को हमें उसके साथ जैसे हमें सफल करना है, तो अगर हम सफल करते हैं तो हमें सदा सफलता मिलती है। तो ये बहुत ही सुंदर बात है। तो जैसे बाबा ने एक और पंखड़ी जो फूल की दे दी है जिससे हम खिलते रहें सदा।
और हमारी पर्सनैलिटी, और हमारी जो प्योरिटी की पर्सनैलिटी बनती रहे। ओम शांति, ओम शांति। मोहिनी दीदी गुड मॉर्निंग आपको, सबको गुड इवनिंग। तो दीदी आपने जो कहा मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसे मैं भी ऐसे सोचती हूँ कि कभी कभी बचपन के बहुत अचानक से कैसे कोई सीन आंखों के सामने आ जाते हैं। तो जैसे आज बाबा ने कहा कि पवित्रता, पवित्रता वो है कि हम ऐसी चीजें ना देखें, क्योंकि ऐसा क्या पुरुषार्थ हमें करना चाहिए कि ऐसे सब सीन हमारी आंखों के सामने ना आए। तो जैसे दीदी ने कहा कि सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात है कि हमारा वैराग्य और पवित्रता, और ये है ये संकल्प कि मुझे कोई भी संकल्प नहीं लाने हैं। तो जैसे कि अगर हमारे संस्कार होते हैं, और अगर मैं कुछ देखती हूँ और देखते ही मैं बहुत सी बातें मेरे आंखों के सामने आ जाती है, तो जैसे हमारे बचपन की भी काफी बातें होती हैं जिसको हमें छानना है, जिनको हमें बारीकाई से देखना है कि जो काम की नहीं है उसे निकाल के, लेकिन उसके ऊपर हमें बाबा के साथ के संबंध, संपर्क बाबा के साथ की प्राप्ति, ये सब बातें याद करते रहना है ताकि जो गलत पुरानी बातें कैंसल होती जाए। तो और ये सब अच्छी बातें याद करते रहेंगे तो वो सब बातें को आने से हम रोक सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारे अलग अलग विधि है जिससे वो पुरानी बातें ध्यान में ना आए। तो जो अव्यक्त मुरली बाप दादा की जो क्लिप थी उसमें एक बार जो बाबा कह रहे थे कि इंटरेस्ट, कि बाबा कह रहे थे उस मुरली में कि हमें सबको इंटरेस्ट, जैसे इंटरेस्ट जमा होता है और हम सबको इंटरेस्ट पे रहना है। तो जैसे बाबा ने वो मुरली में कहा ये जो बैंक है वो सिर्फ संगम युग पर है, तो ये बैंक में यहाँ पर सिक्योरिटी भी है, जमा भी होता है और साथ ही साथ इंटरेस्ट भी जमा होता है। तो जैसे लौकिक परिवार में काफी लोग हैं, तो मैं भी एक ऐसे आत्मा को जानती हूँ कि जैसे जिन्हें अपनी सैलरी मिलती है वो सैलरी डायरेक्टली बैंक में जाती है, और मैंने पूछा उनसे कि आप क्या करते हो, तो उन्होंने कहा कि जैसे जब मैं रिटायर हो जाऊंगा और जब मेरे पास जॉब नहीं रहेगी तो मैं वो पैसा यूज कर सकता हूँ, और वो अपनी जो अपना खर्चा है वो इंटरेस्ट पे निकालते हैं। तो यह है कि इंटरेस्ट उनका निकलता जाता है और वो सैलरी जमा होती है। तो जैसे हमारा क्या इंटरेस्ट है, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। तो जैसे बहुत ही सुंदर पॉइंट है कि जमा करना और इंटरेस्ट पे हमने अपना गुजारा करना। तो आजकल इतना इंटरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन पहले के जमाने में 9% 10% इंटरेस्ट मिलता था इंडिया में या दूसरे और देश में भी। तो बाबा तो हमें बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट देते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं बहुत अच्छा इंटरेस्ट मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि मैं अभी जो भी कर रही हूँ मैं उसका उसका रिवॉर्ड, मैं अभी उसका इनाम मैं अभी नहीं पाने की इच्छा रखती हूँ। जैसे मैंने ये किया तो मुझे अभी मिलना चाहिए, अगर मैं ऐसा करूँ तो मुझे ऐसे मिलना, जैसे प्रत्यक्ष फल। तो हम कुछ करते हैं और हम उसका फल उसी वक्त खा लेते हैं, तो ऐसा है कि हमने जो किया और उसका हम बाबा की बैंक में हम जमा करते हैं और फिर उसका हमें इंटरेस्ट आगे जाके मिलता है। तो जैसे हमने कोई पोजीशन के बारे में पूछा और अगर हम नहीं पूछते हैं तो बाबा वो इंटरेस्ट बाबा हमारे लिए जमा कर लेते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है देखने के लिए। जैसे कि इंटरेस्ट मैं ऐसे सोच रही थी कि प्योरिटी है इंटरेस्ट, लेकिन मैं कुछ
गहराई से नहीं समझ पा रही थी कि प्योरिटी इंटरेस्ट कैसे बन सकती है, तो इस टॉपिक पे मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था, लेकिन आपने दीदी जैसे शेयर किया कि हम जो भी त्याग करते हैं या जो भी सेवा करते हैं उसका फल अगर हम अभी नहीं खाते हैं लेते हैं और उसका आगे जाके इंटरेस्ट जमा होता है। तो आज की मूली में बाबा ने दो बात कही कि जो भी हमें विनाश के जो भी हमें दृश्य दिखते हैं वो होंगे, और आपको जो भी सत्युग के जो भी दृश्य दिखे वो भी होंगे। तो दीदी आपको कभी विनाश के कोई दृश्य दिखे हैं क्या? तो दीदी ने कहा कि एक तो है जो आपदा, जो प्रकृति की जो सब आपदा, तो जैसे कि माउंटेन गिर रहे हैं या फिर ऐसा जो पूर्व ऐसे बाढ़ आ रही है या ऐसे कोई ऐसी कोई दृश्य दिखता नहीं है, लेकिन हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं संसार में कि कभी कभी काफी बाढ़ आई है या पहाड़ गिरे हैं या पानी नहीं है। और दूसरी बात, हाँ मैंने ऐसे बॉम्ब्स को भी देखा था दृश्य में जो अभी वापस हो रहा है, ऐसे बॉम्ब्स। और तीसरा है कि जैसे धर्म युद्ध कहेंगे कि जिसमें एक दूसरे को वो मारते हैं, कत्ल होता है, जिसको कहते हैं कि जैसे काफी खूने नाहक जो खेल होता है। तो शुरुआत में बाबा हमें ऐसे ऐसे दृश्य दिखाते थे, तो आजकल भी लोग ऐसे काफी हिंसा के जो बॉम्ब्स हैं, इस तरह के सीन हैं, या लोग अभी काफी सारे बॉम्ब्स वगैरह बना रहे हैं। तो बाबा को ये सब जो दृश्य बाबा ने दिखाए थे वो अभी एक्चुअली में हो रहा है। तो सब लोग अपने अपने खुद की सेना, सब लोग अपने जो भी सब हथियार बॉम्ब सब कुछ तैयार कर रहे हैं, तो वो अभी हो रहा है। तो दीदी आपको ये सब विजन थे जब आप ज्ञान में थे, शुरुआत में थे, तब आपको ऐसे विजन आए थे, ऐसे दृश्य दिखे थे विनाश के, लेकिन आपको ऐसे सतयुग के भी दृश्य दिखे थे। तो सतयुग के भी दृश्य जैसे काफी बहुत ही शुद्ध हवा, फूल, फल, पक्षियों की बहुत ही सुंदर आवाज, और कभी कभी जैसे लक्ष्मी नारायण की जो सभा, तो वो भी बाबा ने कहा कि वो कैसे वो कोर्ट में ऐसी सभा चलाते थे, उनका कारोबार कैसे चलता, लक्ष्मी का रिस्पेक्ट, नारायण का रिस्पेक्ट, और उनके आपस में एक दूसरे के लिए जो सम्मान, तो वो सब मैंने देखे भी हैं, मैंने एक्सपीरियंस भी किए हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है दीदी जो आप कह रहे हैं कि लक्ष्मी और नारायण का रिस्पेक्ट, कि एक दूसरे के लिए जो सम्मान, तो ऐसा सोचने में कितना इंटरेस्टिंग है कि कैसे एक दूसरे के लिए सम्मान होगा उनका। तो सम्मान तो है, रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए, लेकिन मैं हमेशा सोचती हूँ कि वे एक दूसरे को कैसे बुलाते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे अलग अलग रिवाज हैं कि जैसे हस्बैंड अपनी वाइफ को कैसे बुलाते हैं, लेकिन जैसे कहते हैं मम्मी एंड पापा ऐसे अलग। तो एक बार मैंने किसी से पूछा कि आप अपनी पत्नी को मम्मा क्यों कहते हो,
तो उन्होंने कहा कि अगर मैं उन्हें मम्मा नहीं कहूंगा तो बच्चे भी उन्हें उनके नाम से बुलाएंगे, तो इसलिए मैं भी उन्हें मम्मा कहता हूँ तो बच्चे भी उन्हें मम्मा कहेंगे, तो मैं इसलिए अपनी पत्नी को नाम से नहीं बुलाता हूँ। तो ऐसा एक बहुत ही अच्छा शब्द है, देवी और स्वामी, देवी और स्वामी, देवी अर्थात देवी, देवी या नारायण, तो जैसे कोई भी नारायण देवी बुला सकते हैं अपनी पत्नी को, और लक्ष्मी स्वामी कहेंगी, मास्टर अपने हस्बैंड को स्वामी और देवी ऐसे। तो मैं ये दो शब्द को हमेशा याद करती हूँ कि जैसे पति पत्नी एक दूसरे के लिए ऐसे शब्द यूज करें। ये बहुत ही सुंदर बातें हैं अगर हम और गहराई में जाएं कि वो एक दूसरों को क्या कैसे बुलाएंगे। तो एक और चीज मैं उनसे पूछने वाली हूँ कि घास कैसे लगेगा, अगर हम यहाँ पर घास के बारे में सोचे कि यहाँ पे बहुत हमें काम करना पड़ता है, उसे काटना होता है, लेकिन वहां पर किस प्रकार की घास होगी लॉन में, जैसे जो 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 जमीन है वो कैसी दिखेगा, कि उसमें धूल होगी या उसमें जैसे गोल्डन कलर की कोई ऐसे, या मिट्टी मिट्टी कैसी होगी। कि जैसे 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 वहाँ के पेड़ कैसे होंगे, कि उसमें फ्रूट कैसे होंगे, कि हम उसको निकाल के जस्ट उसको ले सकते हैं। तो दीदी मेरा ये प्रश्न है कि जो घास है ग्रास, वो गोल्डन एज में कैसी होगी, आपको ऐसा कुछ विजन था कि जैसे जो सॉइल है वो कुछ गोल्ड के साथ मिक्स्ड है या जस्ट नॉर्मल है। तो जो गोल्ड है, जो सॉइल है, वो बहुत ही नेचुरल कलर है, बहुत ही नेचुरल तरीके से वो फैली हुई है पूरी जमीन पर। तो जैसे कश्मीर पे गुलबर्ग करके एक जगह है और वहां पे माउंटेन है, बहुत ही ऊंचे ऊंचे माउंटेन है, लेकिन सब कुछ ग्रीन है वहां के, क्योंकि वहां का क्लाइमेट और वहां का पानी वो ऐसा है कि वो सब कुछ वहां पे ग्रीन रखता है काफी। गुलमोग जो जगह है कश्मीर में, मुझे याद नहीं कि मैं कश्मीर के बारे में क्यों सोच रही हूँ, लेकिन कश्मीर में जैसे ज्यादातर ट्री है जिनके पेड़ पर काफी ऐसे एप्पल है, पियर है, आलमंड्स है, और वो बहुत बहुत ही सारे हैं, वॉलनट, अखरोट, वो वहाँ ग्रीन कलर के जो होते हैं अखरोट, फिर उसको ड्राई करते हैं, फिर वो उसकी हार्ड उसकी स्किन हो जाती है, फिर उसको तोड़ के हम उसके अंदर से नट लेते हैं। तो ऐसे वो ग्रीन ग्रीन बहुत ही सुंदर और बड़े आलमंड्स होते हैं पेड़ पर। तो सिर्फ फूल नहीं, लेकिन इस प्रकार के अलग अलग नट्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो सब पेड़ पर है। जैसे अगर आप मिडल ईस्ट में जाओ तो आप जो खजूर है उसके भी पेड़ देखोगे। तो मैं तपोवन में भी, वो मुझे अभी बता रहे थे समर में, कि इतनी बड़ी साइज का ये डेट्स खजूर के, इतने बड़े बड़े पूरी पूरी ऐसी लूम होती है वो, थी जब सीजन नहीं थी, जैसे न्यूयॉर्क में सीजन नहीं है और छोटा सा बंच होता है, लेकिन वो बहुत ही महंगा है। लेकिन जैसे गोल्डन एज में, सतयुग में, सब कुछ इतना अच्छा होगा और उसे बेचने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो नेचुरली पेड़ पर होगा। तो जैसे जब हम छोटे थे तब भी जब हम छोटे थे तब जैसे रोड पर जितने जब भी जो पेड़ हुआ करते थे, वहां पर जामुन जैसे लगते थे और वो जामुन फिर पूरे रोड पर गिरते थे,
एक और फ्रूट था छोटा, जैसे जिसे हम शैतुर कहते हैं, इंग्लिश में मुझे याद नहीं, या हिंदी में शैतुर कहते हैं उसे, वो ग्रीन कलर के होते हैं, ब्राउन कलर के भी होते हैं, तो लेकिन बहुत ही भरपूर मात्रा में वो पेड़ पे होते हैं, फिर गिरे हुए रोड पे ऐसे दिखते हैं। आप करेबियन में जाओ, कोई और देश में जाओ, वहां पर अवोकाडो, इतने सारे अवोकाडो, पूरे मतलब पूरे पेड़ भरे हुए हैं ये सब बहुत ही सुंदर फ्रूट से। तो जब क्लाइमेट बहुत अच्छा है, मिट्टी बहुत अच्छी है और नेचुरल मिट्टी है, तो जैसे फ्रूट है, एप्पल है, कीवी है, इतने इतने सारे एप्पल्स हैं, फिर वही एप्पल जमीन में गिरकर वही फिर वो मिट्टी बन जाती है, और वो जो मिट्टी है वो बहुत ही शुद्ध है। तो मैंने एक एक बार एक एक खेत पे उन्हें पूछा कि आप ये जो नीचे गिरते हैं फ्रूट, आप उसे उठाते क्यों नहीं हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो मिट्टी में मिल जाते हैं और उसी से फिर वो सॉरी बनती है। तो ऐसे काफी छोटी छोटी ऑरेंजेस भी आती है, मैंगोज भी आते हैं, अवोकाडोस भी आते हैं, बनानास भी आते हैं। आप करेबियन जाओगे तो इतने सारे बनाना होते हैं, जैसे एक बंच में 100 बनानास होते हैं। तो जैसे गोल्डन एज में तो ऐसा हर जगह पर होगा। जामुन 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 तो बहुत ही अच्छी बातें हैं सत्यों के बारे में सोचने की। तो आज की मुरली में भी बाबा ने कहा कि आप अपने अखंड अचल राज्य में जा रहे हैं, तो ब्रह्मा बाबा इसके बारे में बहुत सोचते थे। तो आप कितना निरंतर सोचते हो इसके बारे में कि आप अपने राज्य में जा रहे हो? तो दीदी ने कहा कि हाँ, मैं सोचती हूँ, मुझे अंदर से बहुत अच्छा लगता है कि ये जो प्रकृति है वो भी बहुत जल्दी हमें ऐसा एहसास कराएगी। यहाँ पर तपोवन है, तपोवन के पीछे किसी ने एक बहुत ही बड़ा घर दिया है, बहुत ही बड़ा घर उन्होंने दिया है। घर तो एक बात है, लेकिन वो उसके आसपास के जो पेड़ है, उन पेड़ों में इतनी अच्छी खुशबू है और बहुत ही सुंदर पेड़ है वो। तो ये क्या, ये सब प्रकृति है, बहुत ही सुंदर पेड़ है। तो हम भी ऐसे ही अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्रकृति के पेड़ों से हम सब उनके बीच में रहेंगे। ओम शांति। थैंक यू दीदी। ओम शांति। बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्हीं, नैन के नूर लाड लो मेरी आवाज तुम्ही, मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला। ओम शांति। रात को अगर बाप दादा की किसी का उतार चढ़ाव है, मैंने देखा ये बहुत बड़ा युद्ध है। बाबा ने कहा कि लगता जब सुनते हैं, एक मुरली में कहा था परसों, तब तो लगता है कि बात ठीक है और सहज है, हम करेंगे, लेकिन बाद में क्या होता है, उस वक्त सहज लगता है, जब करने उतरते हैं तो कठिन लगता है। और फिर उतरना भी सागर के तल पर है, जैसे बाबा ने कहा कि गुणों के सागर के तल पर पहुंच जाओ और वहां पर रतन लो। तो वो तो जो पूरा तैराक हो वो उतनी गहराई तक उतरे,
जो साहस करे। तो थोड़ा सा आपके सामने बताता हूं कि मैंने इस गुणों के पुरुषार्थ में जो ही मेन पुरुषार्थ है, बाकी सब इधर उधर की एक संजीए के वातावरण तो हमारे यहाँ शांति का, बाबा ने कहा सुख शांति का, पवित्रता का है ही, वही हमें आगे ले जाता है। लेकिन जो सारा आंतरिक पुरुषार्थ है, अंतर्मुखी होकर जो आगे बढ़ने का ये सारा परिश्रम है हमारा विद्यार्थी जीवन, ये है तो दिव्य गुणों की धारणा का। लेकिन इसमें मैंने देखा है जहां कहीं मनुष्य हार खा बैठता है, चाहता है दिव्य गुण धारण करूं, लेकिन परिश्रम पुरुषार्थ करने के बाद भी पूरा सफल कई दफा नहीं बन पाता, और कोई कोई इसको सफलता पूर्वक करके आगे बढ़ जाता है। उसके कुछ मूल कारण होते हैं, उसको अगर हम पूरी तरह से समझ जाएं, और समझने के बाद अगर वो हमें स्थिर हो जाए, बहुत दफा हम बात को समझते भी हैं, वक्त पर वो बात बुद्धि से हमारे खिसक जाती है। बाबा कहते हैं कि ये ज्ञान पारे की तरह से है, हथेली पर जैसे पारे को रखो तो खिसकता है, ऐसे ही कई दफा वो बात खिसक जाती है। तो सिर्फ समझना ही काफी नहीं, उस समझ को बनाए रखना, उसकी स्मृति को एक सदा के लिए स्थायी बना देना भी जरूरी है। लेकिन वो बातें कौन सी हैं जिनसे इन गुणों की धारणा या उनकी ना धारणा दोनों का संबंध है? मैं ये समझता हूं इस अनुभव से कि एक चीज तो हम जो कई बार भूल जाते हैं इस गुणों की धारणा में, वो है कर्म सिद्धांत, लाभ कर्मा, कर्म की थ्योरी जिसको कहा जाता है। और वो तो बहुत बड़ी थ्योरी है, कर्म का सिद्धांत तो बहुत बड़ा है। आप कहेंगे कर्म 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 तो हमने समझ रखा है, उसकी बात मैं अभी नहीं कर रहा। सबसे बड़ी बात उसमें एक ये भी है कि कर्मा इज इट्स ओन रिवार्ड, कर्म स्वयं ही अपने में एक फल है। हम कई दफा कर्म का फल चाहते हैं कि हमने काम किया, फल तो निकला नहीं। इस आदमी के साथ मैंने अच्छा व्यवहार किया, लेकिन नतीजा तो यह हुआ कि आज ये आदमी मेरे से दुश्मनी करता है। मैंने इस व्यक्ति को बिजनेस में हेल्प की और आज ये अच्छा बिजनेसमैन बन गया, और आज ये मेरी जड़ काटने की कोशिश करता है। उस वक्त हम में द्वेष आ जाता है, घृणा आ जाती है, बदले की भावना आ जाती है। कर्म तो हम अच्छा कर रहे थे, उसको हमने सहयोग दिया था, हमने मित्र भाव रखा था, भ्रातृत्व को हमने अपनाया था। लेकिन जब उस व्यक्ति का व्यवहार हमने दूसरा देखा तो फिर हमारी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, स्थिति सब डावाडोल बदल गए। तो हम कर्म का फल जो चाहते हैं, एक दफा ये भूल जाते हैं कि कर्म का फल निकलेगा। आपने देखा जो बहन भाई व्यक्तिगत रूप से मिल रहे थे, एक भाई को बाबा कह रहे थे कि तुम कई दफा कर्म का जल्दी फल चाहते हो, समझते हो कि अभी अभी इसका फल निकल आए। लेकिन किसी किसी कर्म का फल निकलने में समय लगता है, थोड़ा धीरे धारा करो। तो इसका मतलब ये हुआ कि कर्म के सिद्धांत को जानते हुए भी हम ये भूल जाते हैं ना, उस टाइम हम तुरंत उसका नतीजा चाहते हैं कि चूंकि मैंने इस आदमी के साथ भलाई की थी, इसको मेरे साथ भलाई करनी चाहिए थी। हम ये भूल जाते हैं कि मुझे भलाई का फल मिलेगा जरूर, और ये जो व्यक्ति अगर बुराई कर रहा है, इसके कर्म का फल भी इसको मिलेगा जरूर, और अगर मैं सहन करूंगा तो मेरी सहन शक्ति का फल भी मुझे मिलेगा जरूर, और अगर सहन ना करके मैं घृणा और द्वेष करूंगा तो उसका भी कुफल मुझे मिलेगा जरूर। ये बात हम जब भूल जाते हैं तो गुणों से हटकर हम अवगुणों, दुर्गुणों, आसवी गुणों की तरफ चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बात हमें बहुत स्थिरता से धारण करनी चाहिए कि कर्मा इज इट्स ओन रिवार्ड। जब मैं कोई अच्छा कर्म करता हूं, सबसे पहले मेरी अंतरात्मा, मेरी जमीर मुझे कहती है कि तूने ठीक कर्म किया। ये बहुत बड़ी बात है। एक मनुष्य को शांति होती है जब वो किसी प्यासे आदमी को पानी पिलाता है, उसकी किसी ने सराहना की या ना की, और जिसको उसने पानी पिलाया उसने धन्यवाद शब्द बोला या ना बोला। लेकिन क्या हमारी अंतरात्मा नहीं कहती कि ये मनुष्य प्यास से मर रहा था और मेरे पास पानी था और मैंने इसकी प्यास बुझा दी, पानी सफल हुआ और मेरे शरीर की जो अस्तित्व है वो भी सफल हुआ, मैं जो एक सजीव व्यक्ति हूं मेरा जीना भी सफल हुआ और मुझे संतोष होता है कि मैंने एक अच्छा कर्म किया। इस बात को जब हम भूल जाते हैं और ये हम समझते हैं कि हमें फल मिले, सबके देखते हुए फल मिले,
सब लोग कहें कि हाँ इसने अच्छा काम किया था इसलिए इसको ये फल मिला, ये जो चीजें हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे हम गुण धारण नहीं कर पाते। तो इसलिए अगर हमें ये मालूम रहे कि संसार चाहे कुछ भी कहे, ब्रह्मा कुमारी संस्था खराब है, तुम वहां क्यों जाते हो, लेकिन हम अगर ये समझते हैं कि अच्छी संस्था है, अच्छी शिक्षा दी जाती है, मैं इससे अच्छा बन रहा हूं, दिन ब दिन मेरे में सद्गुण आ रहे हैं, उसका कहना उसके साथ है, मेरी धारणा मेरे साथ है, हम उत्तेजित क्यों हो, उस व्यक्ति के प्रति घृणा क्यों करें, हम उसको नीचा दिखाने की कोशिश क्यों करें, और हम ये क्यों असंतुष्ट हो जाएं कि साहब यहां जाना तो मुश्किल हो गया, लोग खाम खा की आलोचना करते हैं, शर्म आती है, ना ही जाओ यहां छोड़ ही दो। तो ये सब जो उल्टी बातें दुनिया में हम कई बार कई तरीके से कई परिस्थितियों में करते हैं, तो मैंने ये देखा है, बहुत देखा है, कई भाई बहन ज्ञान में आए कई चले गए। एक मुरली में, साकार बाबा की मुरली में जब दादी सुना रही थी, जिन दिनों में मैं यहाँ अभी आया हूँ, उसमें ये कहा था कि सेंटर्स पर भाई बहन आते हैं, आज इस दफा हम गई, दादी भी अपना सुना रही थी, तो 5 व्यक्ति नए थे, अगले वर्ष जब गई तो 5 वो चले गए थे, दूसरे 5 आ गए थे। वो जो 5 चले गए थे, जो हिसाब यूं का तू कुंभा डूबा क्यों, वो जैसे कहते हैं ना भी बराबर कैसे रहा, वो 5 चले कहां गए, तो वो चले इसलिए गए किसी के कहने से, किसी के सुनने से, अरे तुम शांति नहीं मिल सकती, जो सद्गुण धारण करता है, दिव्य गुण का मुजस्मा बनता है, वही शांत होता है, और ये एक पहला रिव। तो अंगद की बात इसी तरीके से है कि उसकी टांग नहीं ला सका, क्योंकि टांग उसकी अपनी थी ही नहीं, भगवान की टांग जो भगवान के अर्पण हो गई उसको कौन हिला सकेगा। बाबा ने कहा ना कि बाबा बाबा कहोगे माया भाग जाएगी, तो फिर वो रावण कैसे ठहर सके। तो मैं ये कह रहा था कि दृढ़ता, अगर दृढ़ता ही दृढ़ नहीं है, किसी किसी की दृढ़ता तो होती है लेकिन दृढ़ता ही दृढ़ नहीं होती, जैसे वो कहते ना इफ द साल्ट लूजेस इट्स सेवर, अगर नमक में ही नमकीनपन ना रहे तो दुनिया में कोई चीज नमकीन रहेगी कैसे। सारा जो भोजन हम बनाते हैं उसमें नमक डाल के ही तो नमकीन टेस्ट बनाते हैं, और नमक में ही नमकीनियत चली जाए तो फिर हमारा खाना जो है वो नमकीन बनेगा कैसे। अगर दृढ़ता में ही दृढ़ता ना हो तो फिर दृढ़ता गुणी क्या रहा। हम कहते हैं हाँ जी हमने बड़ी दृढ़ता से विचार किया है, अब तो हम दृढ़ता धारण करेंगे, लेकिन दृढ़ता धारण करने में भी पहले पहले दृढ़ता की जरूरत है। निराली शान है दिल तख्त पर हमें रख लिया, खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लिया, ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी आपने बाबा। अव्यक्त मुरली रिवीजन 1969 से फरिश्तों के दिल से रो रिहा हूं। The basis of our karmas is our attitude. कर्म का आधार वृत्ति। डेट है 26 अक्टूबर 1971। अगर यह स्लोगन सदा स्मृति में रहे तो बताओ फिर वृत्ति चंचल होगी। बच्चा भी चंचलता कब करता है, जब फ्री होगा। तो वृत्ति भी चंचल तब होती है जब वृत्ति में इतने बड़े कार्य की स्मृति कम है। अगर कोई अति चंचल बच्चा बिजी होते भी चंचलता नहीं छोड़ता है तो उसका और क्या साधन होता है।
यही कंप्लेन अभी तक भी है कि वृत्ति को याद में व ज्ञान में बिजी रखने की कोशिश भी करते हैं फिर भी चंचल हो जाती है तो ऐसे को क्या करना है उसके लिए जैसे चंचल बच्चे को किसी न किसी प्रकार के कोई न कोई बंधन में बांधने का प्रयत्न किया जाता है चाहे स्थूल बंधन चाहे वाणी द्वारा कोई न कोई प्राप्ति का आधार देकर उनको अपने स्नेह में बांधा जाता है ऐसे बुद्धि को व संकल्प को भी कोई न कोई बंधनों में बांधना पड़ेगा वह बंधन कौन सा जहां भी बुद्धि जाती है उसको पहले चेक करो चेक करने के बाद जहां संकल्प व वृत्ति जाती है उसी लौकिक व देहधारी वृत्ति को परिवर्तन करते हुए इन देहधारी व लौकिक वस्तु की तुलना में अलौकिक अविनाशी वस्तु स्मृति में लाओ जैसे कोई देहधारी में वृत्ति चंचल होती है जिस संबंध में चंचल होती है वही संबंध का प्रैक्टिकल अनुभव अविनाशी बाप द्वारा करो मानो प्रवृत्ति के संबंध में वृत्ति चंचल होती है इसी संबंध का अलौकिक अनुभव सर्व संबंध निभाने वाले बाप से प्राप्त करो तो जब प्राप्ति की पूर्ति हो जाएगी तो फिर चंचलता की निवृत्ति हो जाएगी समझा अगर सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति एक बाप द्वारा हो जाए तो अन्य तरफ बुद्धि चंचल होगी तो सर्व संबंधों से एक ही बड़े ते बड़ा बंधन यही है कि अपनी चंचल वृत्ति को सर्व संबंधों के बंधन में एक बाप के साथ बांधो तो सर्व संबंधों से एक ही बड़े ते बड़ा बंधन यही है कि अपनी चंचल वृत्ति को सर्व संबंधों के बंधन में एक बाप के साथ बांधो तो सर्व चंचलता सहज ही समाप्त हो जाएगी और कोई संबंध व प्राप्ति के साधन दिखाई नहीं देंगे तो वृत्ति जाएगी कहाँ अपने आप को ऐसे बांधो जैसे दृष्टांत प्रसिद्ध है कि सीता को लकीर के अंदर बैठने का फरमान था ऐसे अपने को हर कदम उठाते हुए हर संकल्प करते हुए बाप के फरमान की लकीर के अंदर समझो अगर संकल्प में भी फरमा के लकीर से निकलते हो तब व्यर्थ बातें वार करती है then wasteful thoughts will attack you constantly तो सदैव फरमा की लकीर के अंदर रहो तो सदा सेफ रहेंगे कोई भी प्रकार के रावण के संस्कार वार नहीं करेंगे और नहीं समय प्रति समय अपना समय इन्हीं बातों में मिटाने के लिए व्यर्थ गवाएंगे न वार होगा न बार बार व्यर्थ समय जाएगा इसलिए अब फरमा के सदा याद रखो ऐसे फरमान बदार बच्चे के लिए ही भट्टी में आए हो ना तो ऐसा ही अभ्यास करके जाना जो एक संकल्प भी फरमान के बिना न हो ऐसे फरमान बरदारी का तिलक सदा स्मृति में लगा रहे यह तिलक लगाना फिर देखेंगे फर्स्ट नंबर कौन आता है इस तिलक को धारण करने में फर्स्ट प्राइज लेने वाला कौन होता है अच्छा ओम शांति